अक्सर टॉक शोज और फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आपकी इमरान खान को गंदा करने के लिए सख्त कहना ही बचेंगे। आप टीवी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आपको इससे पहले भी पता था, आप सब लोगों को सब चीज़ों के बारे में पहले पता था, लेकिन आपने उस बंदे के वीक पॉइंट्स अपने पास कलेक्ट करके फिर उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया ताकि वो आपकी लगाम के मुताबिक चाहे राइट मुड़े लेफ्ट मुड़े। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राणा सोहेल, टोरंटो से आपकी खिदमत में हाजिर ग्लोबल पल्स के साथ। तो तख़ीर की माजरत, क्योंकि एक दो असाइनमेंट्स पर यहाँ पर मैं बिज़ी था। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर एक नई, आज ही तकरीबन आधा घंटा पहले वो अफवाह शुरू हुई है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, ये वक्त पे नहीं होंगे। तो पाकिस्तान ऐसी चीज़ों की जनाब आमाजगाह है जहाँ पर अफवाहें जन्म लेती हैं, पनपती हैं। तो इन अफवाहों के मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, इसमें कोई सदाकत नहीं, गर्चे के पाकिस्तान के वज़ीर दाखला थोड़े इसके बारे में बात की है उन्होंने, तो उनकी रिजेंटमेंट से लगता है कि जिस तरह उनका वही मौक़िफ़ है कि जो नवाज़ शरीफ का है मौक़िफ़, उसी तरह की बातें कर रहे हैं वो। गर्चे वो नवाज़ शरीफ की पार्टी के हैं या नहीं या बाद में चले जाएंगे, लेकिन एक निगरान वज़ीर ख़ारजा को, सॉरी वज़ीर दाखला को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह निगरान हैं, वो अपनी निगरानी तक रहें। तो इस सिलसिले में आप अफवाहें जो जन्म ले रही हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अली इमरान ख़ान को वकील शिकवे कर रहे हैं, इमरान ख़ान को वो सहूलतें दी जा रही हैं जेल के अंदर के, वो तो चाहेगा कि मैं पूरी उम्र जेल में बैठा रहूं, दीवारें तोड़कर उसकी जेल की तोसी कमरे की गई है, वहाँ पर उसको साइकिल दी गई है, टी वी दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया है, तो उसे तो पता नहीं जेल जेल होती है। तो भाई ये आपके अपने मामले थे, निगरान हुकूमत के मामले थे, आप अपने जेल मैनुअल के मुताबिक चलें, या अगर किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया उसको चैलेंज कर दें, अपर कोर्ट में कर दें, हाई कोर्ट में कर दें, सुप्रीम कोर्ट में कर दें, कहीं पे चैलेंज कर दें। यह गिले शिकवे लोगों के साथ करने नहीं चाहिए आपको, क्योंकि लोगों का मोरल डाउन होता है इस तरह से, और आपके ख़िलाफ़ ही जाता है कि आप लोग उस टीम का हिस्सा लगते हैं, जो बातें नवाज शरीफ कर रहे हैं वही बातें आप लोग कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो है जी, वो है ख़बर मनिका के हवाले से। ख़बर मनिका के हवाले से मैं अपनी तस्दीक करना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त ज़हीर बाबर का जिन्होंने मेरी इसलाह की है। यहीं पर टोरंटो में होते हैं हमारे ज़हीर बाबर, लाहौर प्रेस क्लब वाले, हाँ जनरल सेक्रेटरी भी होते थे हमारे वो, तो उन्होंने मेरी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ये कभी भी CSP अफसर नहीं रहा है, इनके वाले साहब जो मनिका थे, इनके बड़े वाले साहब रियाज मनिका या जो भी नाम था उनका, वो MNA थे, तो उन्होंने इस स्पेशल कोटे के ऊपर इन्हों कस्टम के अंदर भर्ती करवाया था, फिर ये प्रमोट ही हो गए, तो प्रमोशन के अंदर ये कलेक्टर के उहदे तक पहुँचे, ये कुछ CSP अफसर नहीं थे। चले ये बात कभी मुझे उनसे पता चला, बहुत शुक्रिया। और बहरहाल पढ़िया लिखिया या अनपढ़ जो मर्जी, बड़ा ही गंदा बंदा, बहुत ही गंदा बंदा। चले इस पर क्या बात करनी है, छोड़ दें इसको, यहीं पर छोड़ दें। लेकिन कैसे छोड़े, अब अगली एक और किताब आ रही है, वो किताबों के मुहतरमा आज वहाँ पे उसकी बुक लॉन्चिंग है, वो कर रही है बुक लॉन्चिंग के जनाब, पता नहीं क्या इमरान खान के करेक्टर के बारे में लोग तबाह तबाह कर उठेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अपने मुक्तदर हलकों से, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, कि क्या आपके पास आ जाके इमरान खान को गंदा करने के लिए सेक्स स्कैंडल ही बचे हैं? क्या उसकी कोई और बेजाबतगियाँ नहीं है, क्या और एम्बेजलमेंट नहीं है, क्या और कोई करप्शन नहीं है? बे इंतहा है। आप ख़ुद बताते रहे हैं कि उतने 40 साल के अंदर पाकिस्तान ने कर्जे नहीं लिए जितने इमरान खान के 4 साल दौर में लिए गए। तो इस बात को हाईलाइट कर लें भाई, पूछे कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ लगाया, किधर उतारा, वो कर्जा कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, इन चीज़ों को प्रोपेगेट करें। अगर अपने मनफी प्रोपेगेंडा करना ही है तो खुदा के लिए इससे हट के बात कर लें, पेशावर मेट्रो की बात कर लें, शौकत खानम की एम्बेजलमेंट की बात कर लें, और इनकी बड़ी बड़ी जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर है, या इनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो डायरेक्टर्स बने हुए हैं उनकी जो बिग सैलरीज हैं उनके ऊपर आप बात कर लें, बुजदार के तौर पर बात कर लें कि उसने किस तरह से पाकिस्तान को, यही ना पैसा कमाना ही करप्शन होती है, और बहुत से तरीके हैं करप्शन के, पूरे का पूरा पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया 4 साल के अंदर उसने, उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई इशू नहीं बचा, या फिर आप पहले झूठ बोल रहे थे, या आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है उसके खिलाफ? तो मैं तो यही इंप्रेशन लूँगा, अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो आप उस चीज़ों पर बात करें। आज जाके आपके पास सेक्स ही बचा है, उसी को बेच रहे हैं, यूनानी की हिंदुआखाने बेच रहे हैं आप लोग भी,
खुदा के लिए हमारा जो टीवी है ना, नहीं रही सही, हमारे पास हमारे बच्चों की हमारी फैमिली की एक ही एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में, टीवी। अब टीवी के ऊपर खोल लो टीवी तो कोई भी ड्रामा लगा लो उसमें एक ट्राई एंगल चल रही होती है। तमाम रिश्तों का तकद्दस का बेड़ा गर्क कर दिया एक तो टीवी ने वहाँ पर। कोई जनाब भाई भाभी बहन पता नहीं क्या क्या, एक लड़की दो लड़के दो लड़कियाँ एक लड़की, सब ट्राई एंगल चल रही है। क्या वहाँ पर यही अखलाक बाख्ता चीज़ें रह गई हैं? क्या हम इसी तरह के लोग हैं? क्या हमारी ये सिविलाइजेशन है? क्या हमारी यानी माशरती ज़िंदगी है पाकिस्तान के अंदर ये दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, या हम वैसे ही मायार हमारा इतना गिर चुका है कि अब ये चीज़ें हमें बुरी नहीं लगती। मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के एक एक फर्द के अंदर सियासत उसकी घुटी में भर दी गई है, सियासत सियासत सियासत। अगर चले वो टीवी ड्रामा नहीं देखते तो अब वो टॉक शो पे आ जाते हैं। अब टॉक शोज के अंदर क्या होता है, टॉक शोज आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, आप टीवी फैमिलीज के साथ बैठ के नहीं देख सकते। मुझे बताएं वो जो फैमिली के चंद गिने चुने लोग रह गए हैं इस तरह के कि जिनकी वाहद एंटरटेनमेंट ये है, वो कहाँ जाएं? अब किसी भी टॉक शो को आप देख लें, वो टॉक शो इतना गराजत से बना होता है, अभी मैं भी मजबूर हूँ उस पर बात करने के लिए, आप भी मजबूर हैं, ये भी मजबूर है, सारे मजबूर हैं उस पर बात करने के लिए, कि एस्टेब्लिशमेंट एक बॉल ऐसी फेंक देती है जिसको खेलने के लिए सब आगे बढ़ते हैं। फिर तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इस तरह की पॉलिटिक्स की फील्ड में बॉल ना फेंके, कोई और बात कर ले, कोई और इश्यूज ले आए। अगर देखा जाए इमरान खान के साथ जिस तरह आप उसकी करेक्टराइजेशन कर रहे हैं और करेक्टर असैसिनेशन के साथ, इसमें आप ज़्यादा मुलव्वस हैं, ये आपकी वजह से मुसल्लत किया। मैं इमरान खान को अगर ये कहूँ कि ये गलत बंदा है तो इससे बड़े गलत आप हैं। आप लोग सब कुछ जानते बूझते उसको लेके आए, उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। ये जो फिल्में ये जो आज रिलीज़ हो रही हैं 2014 की स्टोरीज अब आ रही हैं, आपको इससे पहले भी पता था, आप सब लोगों को सब चीज़ों के बारे में पहले पता था, लेकिन आपने उस बंदे के वीक पॉइंट्स अपने पास कलेक्ट करके फिर उसको वज़ीर आज़म बनाया ताकि वो आपकी लगाम के मुताबिक राइट मुड़े लेफ्ट मुड़े। तो यही आप चाहते थे कि कोई वीक आदमी आए, कोई ताकतवर आदमी, कोई दानश्वर आदमी, कोई समझदार आदमी, कोई करेक्टरफुल आदमी, वो ना आ जाए। और जो आपने किया था वो पूरी कौम भुगत रही है, पूरा मुल्क भुगत रहा है, पता नहीं कितने साल और भुगतेंगे हम लोग। तो खुदा के लिए इस चीज़ पे आप थोड़ा सा तवज्जो करें। और मैं पैमरा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ ये टीवी ड्रामे कंट्रोल करना ही आपका काम नहीं है, टॉक शोज़ के अंदर जो मैार है उसके भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। ये टॉक शोज हम लोग नहीं फैमिली के साथ बैठ के देख सकते। तो अब मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।